नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। हिंदू संस्कृति में सूर्य भगवान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सूर्य भगवान एकमात्र ऐसे देवता है जो ब्रह्मांड में जीवन एवं सृजन को बनाए रखने के लिए अपने दिव्य रथ में सवार होकर निरंतर चलते रहते हैं। उन्हीं की वजह से संसार में प्रकाश और ऊर्जा रहती है। वैसे सूर्य भगवान को समर्पित बहुत ही कम मंदिर अपने देश में है। उसमें से कुछ प्रमुख मंदिर है, जैसे कोणार्क, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके बाद है जम्मू कश्मीर का मारतंड मंदिर, उसके बाद महाराष्ट्र में रत्नागिरी का कशरी मंदिर, ऐसे ही बहुत सारे मंदिर हैं। उसमें से एक मंदिर है जो कर्नाटक में पट्टनगुड़ी गांव का है, जो मंदिर किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है, उसकी वो एक अद्भुत मंदिर है, उसके पीछे भी काफ़ी रहस्य है। उस मंदिर के बारे में हम आज डिटेल जानेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक। कोणार्क सूर्य मंदिर एक भव्य पुराना सूर्य मंदिर है जो आज भी खड़ा है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर पुरी के तटीय गंतव्य में से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर को प्राचीन यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह मंदिर का अभी अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया है। आप 7 घोड़ों की जगह आप यहाँ 6 घोड़ों के नेतृत्व में सूर्य के 24 पहियों वाले रथ को भी देख सकते हैं। यह भारत का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ छाया देवी की को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद है सूर्य मंदिर मारतंड। 8वीं शताब्दी में बनाया गया एक अद्भुत सूर्य मंदिर है। मारतंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। करकोटा राजवंश द्वारा निर्मित मारतंड सूर्य मंदिर दुर्भाग्य से आज खंडहर में है। मंदिर में इस तरह के जटिल विवरणों के साथ आश्चर्यकारक नक्काशी भी है और उसमें अद्भुत एक कला भी है। हाल ही में यहाँ फिल्म हैदर का बॉलीवुड गाना बिस्मिल शूट किया गया था। मंदिर एक पठार के ऊपर स्थित है और आप यहां से पूरी कश्मीर घाटी के दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। कशेली का कनकादित्य सूर्य मंदिर। अरब सागर पर वेरावल गुजरात के बंदरगाह से यात्रा करने वाला एक नाविक दक्षिण दिशा में नौकानयन कर रहा था, तो उस समय एक स्थानीय पुजारी ने वहाँ की सूर्य मंदिर की सूर्य मूर्ति उस नाविक को दे दी, क्योंकि वो उस मंदिर के ऊपर हमले का डर था। तो वो नाविक दक्षिण दिशा में जा रहा था तो काशेली गांव के पास आके वो रुक गया। उस समय वो नाव वहीं रुक गई, आगे जा नहीं रही थी, तो उस नाविक को लगा कि ये मूर्ति की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए उसने उस मूर्ति को काशेली गांव के पास के गुफा में ही रख दिया और वो निकल गया। उसके बाद में उस गांव काशेली गांव में एक कनक नाम की एक महिला रहती थी। वो सूर्य भगवान की उपासक थी और उसने अपने सपने में गुफा में सूर्य मंदिर के बारे में देखा था। तो ग्रामीणों की मदद से उसने वो सूर्य मंदिर की सूर्य मूर्ति लेके एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसके भीतर उस मूर्ति की स्थापना की। जल्दी ही यह मंदिर कनकादित्य के रूप में लोकप्रिय हो गया। इनके अलावा भी भारत में काफ़ी सारे सूर्य मंदिर हैं, जैसे कि गया का सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर जो भी गुजरात में है, सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है, सूर्यनार मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु में है, सूर्य नारायण मंदिर अरसावल्ली मध्य प्रदेश के उन्नाव में स्थित, ब्रह्मण्य देव मंदिर, सूर्य मंदिर ग्वालियर। इसके अलावा कुछ छोटे सूर्य मंदिर भी है, जैसे रांची का सूर्य मंदिर, कटारमल उत्तराखंड का सूर्य मंदिर और डोम्बलूर का सूर्य नारायण मंदिर।
ऐसा ही एक सूर्य मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टनकुटी गांव में है, जिसके बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। यह कर्नाटक के बेलगाम जिले में चिकोडी तालुका में स्थित है। निपाणी चिकोडी रोड पर निपाणी से 5 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में पट्टनकुटी में एक पुराना सूर्य मंदिर था, लेकिन प्राकृतिक आपदा में यह नष्ट हो गया था। दक्षिण भारत के 7वीं से 10वीं शताब्दी के इतिहास में भी पट्टनकुटी का उल्लेख किया गया था। वर्तमान मंदिर पट्टनकुटी बस स्टैंड के पास है। इस मंदिर का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान की मूर्ति लगभग 300 साल पुरानी है और यह एक तालाब के पास खेत की खुदाई करते समय खेत में पाई गई थी और यह खेत पट्टनकुटी के गाड़गे परिवार का था। यह मूर्ति मिलने के बाद इस मंदिर में कैसे लाया गया, इसके पीछे एक कहानी है। पट्टनकुटी में एक झोपड़ी में एक बुआ महाराज नाम के साधु रहा करते थे। ये सभी ग्रामीणों ने इस मूर्ति को जहाँ इस गांव की महालक्ष्मी मंदिर जो भी इस गांव जो जिसको इस गांव की ग्राम देवता मानते हैं वहाँ उस मूर्ति को स्थापन करने का निर्णय लिया और वो सब उस मूर्ति को मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन ये मूर्ति को एक बैलगाड़ी से ले जा रही थी, लेकिन ये बैलगाड़ी अभी जो वर्तमान मंदिर है वहाँ आने के बाद आगे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। तो उस साधु बुआ महाराज ने कहा कि वो बैलगाड़ी जहाँ रुकी है वहीं उस मूर्ति को स्थापना कर दो और वहाँ मंदिर बनवाए। तो वो साधु बाबा की बात मानकर गांव वालों ने वहीं मंदिर बनवाया। शुरू में इस मूर्ति को सबने भगवान विट्ठल की मूर्ति मान के पूजा अर्चना की। आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार भी बनाया, सब लोग उसको विट्ठल मान के ही पूजा कर रहे थे। लेकिन जब 1998 में दिल्ली विश्वविद्यालय के पुरातत्व के छात्रों और अन्य पुरातत्व द्वारा कुछ छानबीन और खोज करने के बाद ऐसा पता चला कि यह भगवान विट्ठल की मूर्ति न होके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति है और ये भगवान सूर्य नारायण के जो 7 अश्व है, 7 घोड़े जो आंखों से नहीं दिखते, वो उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट से देखा तो उसमें वो मूर्ति में 7 अश्व भी उनको दिखाई दिए। तो उस वक्त से इस मंदिर में उसको सूर्य भगवान मान के पूजा गया। मंदिर के सामने विशाल पत्थर का एक स्तंभ है जिसमें कुछ शिलालेख और उस पर कुछ कई संकेत है। यदि पुरातत्ववादी द्वारा इसका और अध्ययन किया जाता तो कई और दिलचस्प जानकारी सामने आ सकती है। इस मूर्ति का विवरण इस प्रकार है। ये मूर्ति काले रंग की और नीले रंग की है और शालिग्राम पत्थर से ये बनी हुई है। ये मूर्ति 3 फीट लंबी द्विभुजाधारी मूर्ति है। यहाँ इस मंदिर में रथ सप्तमी का त्यौहार जोर शोर से मनाया जाता है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार या फिर पुनर्निर्माण पिछले साल ही किया गया और यहाँ अप्रैल और मई में लगभग 5 दिन किरणोत्सव भी आता है, जैसे कि सूर्य की किरणें पूरे मूर्ति के ऊपर आके गिरती है और वो एक अद्भुत प्रसंग रहता है। बहुत सारे लोग आके वहाँ दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने पट्टनकुटी गांव के सूर्य मंदिर के बारे में जाना। ये मंदिर कब बना, कैसे बना, इसका डिटेल हमने देखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।